हमारा उत्तरदायित्व तो बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है, और मुझे लगता है कि कम्प्लीटली जो जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज फाइन, इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने भी थी, सभी बात अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत बहुत हंसाया, हां बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो भड़ जाता है, लेकिन हम तो एज मेडिकली एज फैंस, मैं फैन हूं बहुत बड़ा, अनुपम जी फैन है बहुत, हमने कहा जी जाना चाहिए, हम ऐसे ही ब्राइटेस्ट नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए, और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए हमने, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये, मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड, वी सी हिम प्लेइंग। And also, this is a great this is an opportunity. We as responsible citizens take that. Please drive carefully. खासकर यहाँ fog होती है रात को, और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। सर आप celebrate करने के लिए आए थे New Year?